ओके okay, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वल्लभ आचार्य की टीका सर धरण परितज जेमा में काम शरणमृजा अहम दं सर्व पापे भ मोक्ष शावे मां सोचा 18 चैप्टर भगवत गीता 66 वर्स इस पे वल्लभ आचार्य क्या टीका लिख रहे हैं वल्लभाचार्य जी की एक्चुअली वल्लभाचार्य ने टीका नहीं लिखी है वल्लभाचार्य के पुत्र पुरुषोत्तम आचार्य ने टीका लिखी है वल्लभ संप्रदाय के हैं वो अंगिटी टीका नाम है अमृत रंगिनी अब वो लिख रहे हैं सर धर्मान का मतलब लिख रहे हैं वो कि कि सारे लौकिक और अलौकिक धर्म भी छोड़ दो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है बाकी सारे आचार्यों ने तो लौकिक धर्म की बात की है शंकराचार्य ने तो पूरी तरह लौकिक धर्म छोड़ने को बोल दिया वल्भ आचार्य ने बोला कि लौकिक धर्म के फल छोड़ दो वल्लभाचार्य ये पॉइंट ला रहे हैं कि सर लौकिक धर्म की बात नहीं हो रही सर धर्मान सर से बोल रहे हैं सर धर्मान मतलब कि लौकिक और अलौकिक धर्म भी छोड़ दो अब क्वेश्चन है कि अलौकिक धर्म क्या है वल्लभ संप्रदाय के में अलौकिक धर्म मतलब है कि मोक्ष की इच्छा भी लौकिक धर्म तो ऑफकोर्स लौकिक धर्म ही है मतलब लौकिक धर्म यज्ञ दान तप और आदि क्रियाएं नित्य धर्म मत्य धर्म पहले के छोड़ दो और अलौकिक धर्म भी छोड़ दो मोक्ष की इच्छा भी छोड़ दो और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो भी पालन किया जाता है वो सब भी छोड़ दो कहने का मतलब है जहाँ शंकराचार्य अर्जुन को बोल रहे हैं कि सन्यास लो है नहीं आत्मा को अनुभव करने के लिए वल्लभ आचार्य कह रहे हैं सन्यास भी छोड़ दो वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य को इस तरह काट दिया मध्वाचार्य रामाचार्य ने तो बोला कि ठीक है शंकराचार्य गलत कह रहे हैं संन्यास लो ये तो बिल्कुल गलत है और ऑफ कोर्स अर्जुन के लिए तो बोल रहे हैं और अर्जुन को बोलेंगे तो कोई सेंस नहीं बनती और आप बोल रहे हो कि अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे तो भी सेंस बन तो तो नहीं बनती तो बस तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो सन्यास लेने को नहीं कह रहे वो कह रहे धर्म पालन करो मगर फल का त्याग कर दो वल्लभ आचार्य यहां पे कह रहे हैं वेल संन्यास को भी छोड़ दो जब छोड़ना ही है संन्यास भी तो धर्म ही आ रहा है कितना अच्छा लॉजिक है शंकरा कह रहे हैं सारे धर्म छोड़ दो संन्यास ले संन्यास भी तो एक धर्म ही है क्या, कैसे है संन्यास धर्म आ, वो क्या कहते हैं ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास धर्म का ही पार्ट है वो भी छोड़ दो इसका लक्ष्य मोक्ष है लौकिक अलौकिक दोनों धर्म छोड़ दो संसारी इच्छाएं और मोक्ष की इच्छाएं दोनों छोड़ दो सो so, फिर क्या करें तब वो कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम लौकिक धर्म छोड़ देंगे तो फिर तो फिर तो समाज में क्यास हो जाएगा है नहीं? और किसी कोई संन्यासी नहीं बनेगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी धर्म ही खंडन हो गया तो बोला विचार्य कह रहे हैं, माम एकम शरणम व्रजा ये छोड़ दो सब और मेरी शरण में आओ और मेरी शरण में रहकर धर्म पालन करो या यूं समझ लीजिए भल्लाचार्य कह रहे हैं धर्म पालन करना है करना तो जरूरी है मगर मगर वो धर्म मुझे आनंद देने के लिए करो एक भक्ति भाव में सिर्फ धर्म धर्म पालन करने के लिए मत करते रहो भक्ति भाव में करो माम एकाम शरणम रजा यहां पे एकम एकम शब्द का मतलब वल्लभाचार्य ले रहे हैं कि मुझे आनंद दो एक केवल मेरी शरण लो कहने का मतलब है एक तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए मैं इस संसार में सब लोग किसी ना किसी को आनंद देते हैं तुम मुझे टारगेट बनाओ एक मैं ही टारगेट होना चाहिए जिसको तुम आनंद दो इस संसार में सब किसी ना किसी की सेवा तो करते ही एक मां बाप भी अपने बच्चे की सेवा करता है, एक राजा भी प्रजा की सेवा करता है जो हेड है तो वो कह रहे हैं एक मेरी सेवा करो मेरी सेवा करो यहां पे एक का मतलब ले रहे हैं भगवान की सेवा भगवान को आनंद देना और मेरी सेवा के लिए मेरी सेवा करने के लिए मुझे आनंद देने के लिए मेरी शरण लो ये वाला बचा रहे इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं उस सेवा करने के लिए आनंद देने के लिए मेरी शरण लो शरण ही तो लेंगे वो हम आप मेरे स्वामी हम दास है तभी तो बात बनेगी है नहीं शरणागति का जो भाव है शरणागति क्या है वो तो मैंने बताया अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से अर्जन नहीं तो वो तो शरणागति के अंग है शरणागति का जो भाव है वो है कि कृष्णा मेरे स्वामी मैं उनका दास भाव और अंग वल्लभाचार्य ने और डिफाइन किया शरणागति को वल्लभाचार्य ने कहा इतना काफी नहीं कहना कि शरणागति के छह अंग हैं शरणागति के तो छः अंग हैं ये का भाव क्या है एक्चुअली क्या शरणागति कि कृष्णा मेरे स्वामी मैं उनका दास हूँ फैलाचार्य ने वुरुषोत्ताचार्य ने और उसको फोकस कर दिया शरणागति क्या है? और उन्होंने बोला कि तो जब शरणागति लेंगे तब हम भगवान की सेवा कर पाएंगे तब भगवान को सही से आनंद दे पाएंगे माम एकम उन्होंने एकम को सेवा और प्रीति के रूप में लिया बहुत अच्छा मीनिंग है सर धनान परिताज्य माम एकाम शरणम रजा तो तुम जो भी करो मुझे आनंद देने के लिए करो और शरणागति के भाव से करो ये समझ के कृष्णा मेरे स्वामी है मैं उनका दास हूं तो तुम अगर धर्म भी पालन करो तो इस तरह करो कृष्णा मेरे स्वामी है अपने स्वामी को आनंद देने के लिए मैं धर्म पालन करूंगा अपने स्वामी के लिए भक्ति बढ़ाने के लिए मैं धर्म का पालन करूंगा तब ठीक है केवल धर्म को धर्म पालन करने के लिए मत करो धर्म अनुकूल है भक्ति के बात एक्चुअली बात घूम के वही आ रही है जो मध्वाचार्य रामाचार्य लिख रहे हैं कि धर्म अनुकूल है इसलिए तो धर्म छोड़ नहीं सकते वल्लभाचार्य भी वही कह रहे हैं मगर वल्लभाचार्य का पॉइंट थोड़ा और सूक्ष्म है सूक्ष्म है वो कह रहे धर्म को रीति रिवाज की तरह पालन मत करो वैसा धर्म छोड़ दो स्वर की इच्छा के लिए मत करो फल फल के त्याग भी कर दो और वैसे तो सारे धर्म का त्याग कर दो और मोक्ष की इच्छा अलौकिक धर्म का भी त्याग कर दो सन्यास का भी धर्म उतना पालन करो जितना भगवान की सेवा के अनुकूल है अब ये थोड़ा डिफरेंट एंगल है और यही एंगल हम गौड़िया भी लेते हैं मध्वाचार्य और रामाचार्य का तो प्रपोजल है कि धर्म पालन करना पड़ेगा पूरी तरह बस त्याग करना है क्योंकि धर्म भक्ति के अनुकूल है समझ आता है वल्लभाचार्य कह रहे हैं नहीं धर्म को त्याग दो पूरा पालन करने की जरूरत नहीं है मेरी शरण लो और मेरी शरणागति के लिए जो अनुकूल है धर्म से वो ले लो बाकी छोड़ दो ये थोड़ा डिफरेंस है वल्लभाचार्य की के अंडरस्टैंडिंग सर्वधर्मान परितजय और मधुआर रामानुजा इसलिए मधुरा रामुजा ये अपनी कमेंट्री में लिख नहीं पाया कि सर्वधर्मान परितज मतलब धर्म को पूरी तरह छोड़ दो वो नहीं लिख पाए क्योंकि उनके हिसाब से पूरा ही धर्म भक्ति के अनुकूल है वल्लभाचार्य के हिसाब से पूरा धर्म भक्ति के अनुकूल नहीं है जो भक्ति के अनुकूल जो भी चीज़ धर्म में वो ले लेते हैं बाकी चीज छोड़ देते हैं जैसे उदाहरण के लिए अब यही प्रिंसिपल हम गौड़िया वैष्णव भी इस्तेमाल करते हैं मैं बताऊंगा ऐसे उदाहरण के लिए श्राद्ध या या यूँ समझ लो ऐसे उदाहरण के लिए श्राद्ध से बेटर एग्जाम्पल है ऐसे उदाहरण के लिए कि शास्त्र पढ़ने से पहले धर्म में अंगान्यास अंगान्यास करन्यास भूत शुद्धि आत्म शुद्धि ये सब करना पड़ता है मगर वल्लाचार्य ने कहा कि ये भक्ति के भक्ति भाव के लिए ये इतना अनुकूल नहीं है ये पो, पोर्शन धर्म का इसको छोड़ दो तो। या श्राद्ध श्राद्ध अगर आजकल के ज़माने में तो बहुत टाइम लगता है श्राद्ध करने में यज्ञ कराओ पंडित को बुलाओ पंडित कहाँ से बुलाओगे पंडित ही सब करप्ट हैं तो वो भी छोड़ दो नहीं मैंने तुम्हारी भक्ति खराब हो जाएगी गंदे पंडित आएंगे पागलों वाली बातें होंगी नहीं पान खाने वाले पंडित छतरी वाले पंडित क्या होगा उनकी शक्ल कैसे देखेंगे भक्त लोग उनको देने का मन भी नहीं करेगा तो उन्हें कहा वो भी छोड़ दो तो इसीलिए वल्लभ आचार्य का जो सर्वान परितज्ञ्य कहने का मतलब थोड़ा डिफरेंस है है नी उन इसलिए वो कह पाए सारा धर्म छोड़ दो तो पालन नहीं करे धर्म हाँ उतना कर लो जितना पॉसिबल है प्रैक्टिकल है आज के जमाने में और जितना आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए अनुकूल है जो प्रतिकूल हो रहा है धर्म वो छोड़ दो ऐसे मान लीजिए धर्म में धर्म आपको एडवाइस करेगा कि कई यज्ञ जो देवी देवताओं के लिए किए जाते हैं मधुबा संप्रदाय संप्रदाय में वो यज्ञ किए जाते हैं देवी देवताओं के लिए ऑफकोर्स अब मधवा रामनौजा कहते हैं कि वहाँ पर फिर उनको चेंज करना पड़ता है कि वो यज्ञ देवी देवताओं के हैं मगर देवी देवताओं के थ्रू भगवान तक जा रहे हैं या देवी देवता भी भगवान के सेवा के तो इस तरह भगवान तक पहुंच रहे हैं नहीं माँ बल्लाचार्य का छोड़ दो ये तो जब धर्म का ये पोर्शन भक्ति के प्रतिकूल है कृष्ण हमारे स्वामी हमदास है बस काफ़ी है तो इनकी करना ही क्यों छोड़ दो तो ये थोड़ा डिफरेंस है सर्वधान परितज्ज्जय वल्लभाचार्य जी का जो अंडरस्टैंडिंग है और फिर उसके बाद अहम तो हम सर्व पाप एभ्य तब तब मैं तुम्हारे सारे पाप से तुम्हें तो मुक्ति दिलाऊंगा दिलाऊँगा वल्लभचारे सेम मीनिंग दे रहे हैं जो राम दे रहे हैं मैं तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान सारे पाप नष्ट कर दूंगा पाप ही नहीं पिछले जन्मों के जो अपराध हैं जो ब्लॉक कर रहे हैं कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करूँगा कि तुम्हारे अपराध भी नष्ट हो जाएँ अपराध भी हट जाएँ और अनर्थ जो बड़े बड़े अनर्थ हैं वो मैं भी हटा दूँगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिंता मत करो माँ सोचा इस तरह से वल्लभ आचार्य जी ने इस श्लोक पे टीका डाली है श्लोक पे उन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया है हरे कृष्ण सॉरी मैं बार बार वल्लभ आचार्य बोल रहा हूँ पुरुषोत्तम आचार्य जी ने मैंने जब पूरे लेक्चर में वल्लभ आचार्य जी बोला है तो उसका मतलब समझ लीजिए पुरुषोत्तम आचार्य मतलब वल्लभ संप्रदाय के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पुरुषोत्तम आचार्य उनकी टीका दे रहा हूँ बट पुरुषोत्तम आचार्य का दृष्टिकोण वल्लभ आचार्य का ही दृष्टिकोण है उनसे अलग नहीं है क्योंकि एक ही संप्रदाय है तो पुरुषोत्तम आचार्य जो कह रहे हैं हम सेफली कह सकते हैं वही वल्लभ आचार्य जी का मंतव्य है तो उसमें कोई गलत नहीं था जब मैं वल्लभ आचार्य को बोल रहा था मतलब टेक्निकली लिटरली पुरुषोत्तम आचार्य जी ने ये मत दिया है हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की